नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सारिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिवाली स्पेशल इंस्टेंट सेव रेसिपी। अब से मार्केट से सेव लाना बंद कीजिए और इस दिवाली बनाइए घर पे ताज़े मुलायम क्रिस्पी सेव। सेव बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी बेसन, आधा चम्मच हल्दी, हींग, थोड़ा सा सोडा, एक चम्मच अजवाइन, एक चम्मच नमक, थोड़ा धनिया पाउडर और आधा चम्मच तीखा। इन सारी चीज़ों को मैं एक बड़ी प्लेट में मिक्स करने वाली हूँ। ये रहा एक कटोरी बेसन और ये बाकी चीज़ें। इसको हम हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं या फिर चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून तेल गरम करके लिया है, जो मैंने इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताया था। यह हम हमारे मिक्सचर में डाल देंगे और उसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे। तरह से तेल गरम करके डालने को मराठी में मोहन भी कहा जाता है। इससे हमारे सेव मुलायम और क्रिस्पी बनने में बहुत मदद होती है। अब तेल थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे थोड़ा हाथ से भी मिक्स कर लूँगी। इसका हमें आटा लगाने के लिए मैंने 1 कप पानी लिया है, जो हमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। हमें इसका नरम मुलायम आटा बनाना है। ध्यान रखिएगा, पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, नहीं तो हमारा आटा बहुत पतला हो जाएगा। मैंने आपको वीडियो में बताने के लिए 1 कटोरी बेसन लिया है, तो उसके साथ इंग्रेडिएंट्स बहुत कम लगते हैं। अगर आप चाहें तो तीखा ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। देखिए, हमने अब अच्छे से आटा गूंद लिया है। कुछ इस तरह से हमारा आटा नरम और मुलायम बनना चाहिए। अब मैंने तेल कढ़ाई में गरम करने के लिए रख दिया है। मेरे यहाँ पे सेव का साँचा है, सो मैं उससे ही आपको सेव बना के बताऊँगी। तेल गरम हो चुका है, अब मैं उसमें सेव डालने वाली हूँ। मैं थोड़े पतले सेव ही बनाने वाली हूँ, सो हमें थोड़ा गैस की फ्लेम छोटी करनी पड़ेगी, नहीं तो पतले सेव बहुत जल्दी जल जाते हैं। अब मैंने इसको एक बार पलट भी दिया है। अब फिर से मैंने गैस की फ्लेम बढ़ा दी है। ध्यान रखिएगा, हमें पतले सेव बनाते वक्त गैस की फ्लेम बड़ी या छोटी करनी पड़ती है और सेव भी जल्दी जल्दी पलटने पड़ते हैं। अगर आप थोड़े मोटे साइज़ के सेव बना रहे हो तो आपको गैस की फ्लेम बड़ी ही रखनी है और उसे जल्दी जल्दी पलटना भी नहीं पड़ता। हमारे सेव को थोड़ा ऑरेंज कलर आने तक हम सेव को पलटते ही रहेंगे। अगर आप चाहें तो सेव पहले एक कागज़ पर बना लीजिए और बाद में भी आप उसे कढ़ाई में डाल के बना सकते हैं। देखिए, हमारे सेव ने अच्छे से कलर ले लिया है। अब हम पहले इसे एक एब्जॉर्बर पेपर पे डाल देंगे और फिर एक प्लेट में सर्व कर देंगे। इसी के साथ हमारे सेव खाने के लिए तैयार है। कुछ लोग सेव को वैसे ही खाना पसंद करते हैं, या फिर आप उसे टोमेटो सॉस के साथ या चाट मसाले के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस दिवाली सेव घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।